अपना मजा तुसे आओ साढ़े पहाड़ें सुंदर बनाया मेरा देश डोगरा, बूटे बूटे सजाया मेरा देश डोगरा। दोस्तों सचमुच पहाड़ें की खूबसूरती जी इन्हें रुख बूटे कन्ने और साढ़े कार्यक्रम की भी खूबसूरती जी इन्हें रुख बूटे कन्ने कदे और साढ़े ग्रां दे अज दे अंक च दोस्तों तुंदा सभने का स्वागत है। तो सभने थमां पहले मेरा प्रवीण शर्मा का प्यार वाला नमस्कार। दोस्तों अज की कड़ी दे किहड़े ग्रां की संस्कृति, किहड़े ग्रां की सभ्यता, तो किहड़े ग्रां का इतिहास अस खंगालन लगे हाँ, आओ दिखने वह किहड़ा ग्रां है। जेड़ा आई जंदा लैंदा नी जाने दा ना दोस्तों जंदरैड़ी ग्रां रामनगर दे विच अज दा कार्यक्रम करने वास्ते असा आए दे आं, पर रस्ते विच बस्सी मंदिर है, एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है और बड़ा खूबसूरत मंदिर है। इस मंदिर च मत्था टेकी है, इतों का आशीर्वाद अस तुहाड़े तक पहुँचाने का प्रयास करने हैं, तो भी जंदरैड़ी ग्रां की संस्कृति, सभ्यता, भाषा, इतिहास तुहाड़े कन्ने खंगालने का प्रयास करिए। पहले रस्ते च ये बस्सी मंदिर जिहड़ा है वो इतने अस दिखा करने, बड़ा सोहना मंदिर बने दा, उच्चे टीले दे उपर है, बड़ी दूरा दूरा लोग आते हैं, उनकी लोगों की आस्था जुड़ी दी है। इस मंदिर च मत्था टेकी उहदा आशीर्वाद तुहाड़े तक पहुँचाने का प्रयास करना है। दोस्तों ग्राएं दे विच खास करी अस देखने आ पे मेहनत कश किसान लोग होंगे, तो किसाने का जिहड़ा काम होंदा वह उन्हें लोगों कन्ने होंदा ज़्यादा, जिहड़े लुहार ते तरखान जाति के लोग होंदे जिंदे घर
अस दिक्खने निहाली उन्हें कीती दी हुंदी है उहदे पर कोई रंबा चंडा दा कोई हल ठीक करवा करदा। अज्ज अस इस ग्रां च पुज्जे आ ते पोप फुटदे अस दिक्खा करने लोहारें दे उस घरां दे विच इन्हें अपनी निहाली जिहड़ी है पखाई दी है। उत्थे किस किसान बैठे दे और ये मेहनत कश लोग जिहड़े ने अपना मेहनत दा कम करा करदे ने। इंदा एक कम धंदा भी अस दिक्खने आ ते फिर इंदे कन्ने गल कट भी करने आ। चाचू के नाम है थोड़ा? मनसा राम। मनसा राम जी कितनी ब्रेस है? ओवर ओवर मेरे साथ भाई कानू आ कानू है अब 90 तो है गया 90 तो लगा दी भी है पर अजे भी तुस काम धंधा करा दे जोर वाला के खंदे पींदे और के खंदे हां के खंदे पींदे जवानी बेला जेड़ा इले भी 90 साल च भी तुस थोड़ी चला दियो जवानिया बेला माई दी दाल हां जी ते बज्जी काली होंदी ही बोलना छानी हां रौंगी माई दी दाल ते दारुआ अंबल ते कुंठा अंबल ओ चीजा खादी नहीं ते अज अंगे लगी नहीं ओ खादा आस है पर दुध तंदू वाला भी हुंदा चाचू जाओ जाओ जान दे ते जवे भठोरे खाने जवे दे भठोरे खाने हां ते ओ खाने ते अजे दंद भी तुहाड़े हैन सबूते लोके ने मुक्की ते दंद मुक्के दे ਮੁੱਕੀ ਮੁੱਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਾਚੂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਉਲੇ ਜਵਾਨੀ ਪਰ ਇਹ ਸੱਤ ਧੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਦੀਆਂ ਹਵਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਾਂ ਦੋ ਤਰੇ ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਤਰੇ ਕਿਲੋ ਦੀ ਚੰਡੀ ਚੰਡੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੁੰਨਾ ਤਰੇ ਕਿਲੋ ਦੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਸ਼ਾ ਛਗਾੜੀਆਂ ਇਹ ਬਦਾਨ ਕਨੇ ਕੁੱਟੀ ਕੁੱਟੀ ਹੈ ਕੁੱਟੀ ਕੁੱਟੀ 1 ਕਿਲੋ ਲਵਾ ਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਟੀ ਕੱਟੀ ਇਹ ਬੜਾਇਆ ਪਰੀ ਇਹ ਬੜਾਇਆ ਪਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਪਰੀ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਨਹਿਰ ਸੋਗਾ ਲਾਦੇ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਗੜੀਏ ਦੇ ਕਛੇ ਤੇ ਪੱਠੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਜਾਂ ਤਰਗਾਰੇ ਉੱਭਰਦੇ ਨੀ ਇਹ ਤਰਗਾਰੇ ਉੱਭਰੇ ਤੋਂ ਛਿੱਕੀ ਲਈ ਫਿਰ ਰੇਤੀ ਕਰਨੇ ਉਸੀ ਫਟੇ ਫਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਹ ਟਾਣੋ ਟਾਣੋ ਹੀ ਟਾਣੋ ਟਾਣੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਉੱਲੇ ਚਾਚੂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾ ਸੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲੀਂਦਾ ਕਰਾ ਦਾ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਲਾਟ ਬੜਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛੂਆ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੈ ਕੁਛੂਆ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਬੜੇ ਜਿਸਲੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪੰਪ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਡੇਈ ਹੋਆ ਪੰਪ ਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖੇਤੀਆਂ ਪਲਾਟਾ ਜਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਏ ਦਿਹਾੜੀ ਭੱਜੀ ਮਣ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਕੱਢਣ ਡਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਿਛੜੀ ਸੀ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵੱਢਦੇ ਅਤੇ ਅੱਡ ਦੇਵ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜ਼ਰੀ ਗਿਆ ਉੱਪਰੇ ਮਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜ਼ਰੀ ਗਿਆ ਤਡੋੜੀ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਆਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਠੋਰੂ ਬੜੇ ਦੇ ਬਸ ਚਮਹਿਰੀ ਬੁੱਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 3 ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ 7 ਪਕਵਾਨੀਆਂ ਪਕਾਈਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 7 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਰਹੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸਾਂ ਟੈਬ ਦੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸਲੇ ਬੇਦ ਪਟੋਈ ਚਲੋ ਕਰਾਈ ਅੱਛਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਦਿਨ ਡੋਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਕਿਆ ਹਾਂ ਏ ਦੂਗਾ ਚਲੋ ਰੈਡੀਮੇਡ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਈ ਦਾ ਚਾਚੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਵਿਆਹ ਵੀ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਵਾ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਗਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਲਾ ਦੇਖੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸੁੰਨਾ ਉਗਾਉਂਦੇ ਔਰ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ
जिल्लै घर चौंके च आउंदी ही ते चौंके च जिहड़ियां नारां हई उह सुच्चे में रखदी आ गिद्दी पाई है जिल्लै रसोई घर जांदी आ ते आखदे माता अन्नपूर्णा वास करदी ही। कोई अतिथि घर आउंदा हा उसी भी खलांदे हे, अज कोई परौणा घर आई है ते अज कल आली नारा परौणा है परे गै रौह्ना घर नहीं आना क्योंकि मन गै चेंज होई गए। एक संस्कृति दोस्तों सांझा होया करदी है ग्रां जंदरैड़ी की। हुण ग्रां की ओर टोह लैने और किश लभदा वह भी तुहाडे तक पहुँचाने का प्रयास करने। दोस्तों जंदरैड़ी ग्रां की अस दिखा करने कि एक रस्ता जिहड़ा वो बस्सी मंदिर दे राहें जिहड़ा उपर आउंदा कोई 14-15 किलोमीटर दूर पौंदा रामनगर कोला। एक रस्ता इत्थों दा निकला करदा जिहड़ा विच दो ग्राएं की जोड़ादा, ये हर्षनगर कोला लई है थपलाल ग्रां ते फिर जंदरैड़ी पुजदा जिहदे च कोई 5-7 किलोमीटर का फर्क पौंदा। कन्ने गै इत्थे अस दिखा करने एक हाई स्कूल है, हाई स्कूल च बच्चे जिहड़े ने वो दूरा दा भी आउंदे ने कोई लागे दे भी आउंदे ने। अगर सड़क संपर्क होया तो उच्च शिक्षा का भी इतने माध्यम जोड़ा वो अच्छा हो सकता। अज तो वैसे गौरमेंट आखा दी ग्रां ग्रां सड़क पुजा करती, जिते दो घर न उत्थे भी सड़क पक्की जा करती है, तो अज अगर इस इलाके एक ही सड़क पक्की हुई आ तो इन्हें कई ग्राएं का आपू बच्चे संपर्क जोड़ा वो जुड़ी सकता है। और खास करिए जो स्कूल आने वाले बच्चे वो डिगते ढौंदे नहीं फराटे मारते दौड़ते अपने स्कूलें आई सकते हैं, ये साड़ा ख्याल है। सरकार ने भी कोशिश करनी है तो उम्मीद भी रखने कि तौले कोला तौले ये जो रोड पक्का हो इतों के माणू जोड़े वो खास करी 5-7 किलोमीटर उन्हें फर्क पई आ। अगर अपने शहर ब्लाक भी जाना हो, अपनी तहसीला भी जाना हो, जब बच्चे जोड़े स्कूल आने वाले हूँ ग्रां की ओर टोह लैने और किश लगता वो भी तुरंत तक पहुँचाने का प्रयास करने। जंदरैड़ी ग्रां के माणू जोड़े ने इतने खड़ोते हैं, खास करी एक पक्षी बाँ दुई पक्षी उस जिस सड़क की मैं गल करा पिछे वो जरा सरकारी हाई स्कूल है। भाई जी क्या नाम थोड़ा? मैं सुरमचंद खजूरी है जी। सुरमचंद जी जंदरैड़ी ग्रां मतलब दूर बनी थोड़े तहसील मुख्यालय को, पर बिच जिहड़े दो त्रै ग्रां आपू विच पौंदे ने उंदा सड़क संपर्क जिहड़ा दूर है अजे नहीं बनी सकिया मते चिरां दी मंग ही लोकें दी, ते क्या ये जिहड़ा कोई DPR वगैरह गौरमेंट ने बनाई दी है जी? देखो जी गल है कि अस ये चीज़ सोच रहे हैं कि जेका क्योंकि रामनगर के बिल्कुल लागे ग्रां रामनगर के कन्ने थपलाल ग्रां पौंदा और उहदे कन्ने 2-3 किलोमीटर बाद जंदरैड़ी ग्रां पौंदा, उसके कन्ने अमरोह 3 किलोमीटर क्रॉस करिए अमरोह ग्रां पौंदा। तो गल यह है कि सरकार की तरफा बड़ी सारिया सड़क बनाई गई हैं, लेकिन गल यह कि सड़क जो इन्हें त्रै ग्रां के साइडों बच्चे कड़ी है रोड कलवंत बच्चे पुजी एंचे बच्चे पुजी, लेकिन जंदरैड़ी जो ग्रां है इस बच्चे भी गल है कि जी रोड जगह गई हैं तो ग्रां के कोई एक सेंटर कोई जगह सेंटर एरिया जितने सही पापूलेशन है पब्लिक जी लोग रही उत्त कशा रोड अज तक नहीं पुजी सकी। मसला यह है कि रोड जी बनी है वो उपरा साइडें रोड निकली हैं उसका ग्रां के लोगों इन्हें माणुओं ही फायदा नहीं हो सकया। सरकार की तरफा जेका प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो स्कीम बनाई गई ही उस बच्चे गल है कि लोगों बड़ी सारिया उम्मीदा रखिया कि क्योंकि सरकार का पहला आखना मत यह है कि जिसमें 1000 आबादी के लोग जिस ग्रां रोते तो उन्हें ग्राई सड़कें कने जुड़िया जाए, तो सरकार ने वो कम शुरू किया 1000 आबादी वाली रोड़ा जो लोग हे उन्हें रोड की सहूलियात जी दी। उस तो बाद दूई स्कीम सरकार की यह आई कि जो 500 आबादी वाले जो ग्रां जिसे 500 लोग जगह रोते उन्हें भी सड़कें कन्ने शहर कन्ने जोड़िया जा, तो दूई स्कीम च सरकार ने कुछ सड़क बनाई है जी 500 आबादी वाले लोगों भी जोड़िया, तो उस हिसाब कन्ने जो जंदरैड़ी थपलाल का जो त्रीया प्लान जो सरकार ने यह दसिया लोगों अगें कि 250 आबादी वाले जो महल महल उन्हें महल भी रोड की सहूलियात जी वो दी जाग उन्हें सड़कें कन्ने लोगों की जोड़िया जाग। असं बड़ी सारिया उम्मीदा रखिया, तो साड़ा गल है कि 2014 च हर्षनगर देवी केरी जो रोड है इसका एक जो DPR बनी सर्वे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के डंगा महकमे तरफा सर्वे किया गया, दो बार अज तक नाला सर्वे हुई है, 5 किलोमीटर इस रोड की लेंथ है। तो गल है कि यह जी रोड है इस बच्चे साढ़े इस 5 किलोमीटर एरिए 10 सरकारी अदायरे जो वो मतलब कि सरकार के जो कम करा करते हैं और मुलाजम जो 10 अगर भाई उस साढ़े हाई स्कूल न मिडिल स्कूल न आंगनबाड़ी सेंटर न सब सेंटर न वैटनरी सेंटर न तो वैटनरी हेल्थ सेंटर न तो पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर न, तो उस बच्चे जिन्हें भी जो लोग मुलाजम आते उन्हें अज तक बेचारे मतलब कि इस रोड मतलब कि गड्डी मोटरेबल सुविधा जी वो नहीं मिली सकी। तो असें गल है कि बड़ी सारिया उम्मीदा जी सरकार कन्नै अज तक हैन, तो अज अस बार बार भी मतलब कि TV दिखने या कोई मतलब कि जो सरकार के प्रोग्राम दिखे तो नितिन गडकरी साहब ये गल आखदे कि सरकार कोल पैसे की कोई तंगी नहीं है,
अस भी ये आखने सरकार अगे साड़ी भी फरियाद है कि अगर इन्हें ग्राएं च सड़क संपर्क हो जियां इत्थे मुलाजम आउंदे ने ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਲਈ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਤੇ ਇੱਧਰ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸੜਕੇ ਮਚਾਲੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ 'ਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਆਟੋ ਲੈਣੇ ਹੋਰ ਕੇਸ਼ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ। ਦੋਸਤੋ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸ ਕੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਨਰਦੁਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈ ਆ ਟਰੈਕਟਰ। ਪਰ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇੜਾ ਪੈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੌਂਗੜੀਆਂ ਪੈਦੀਆਂ, ਦਰਾਟੂ ਪੈਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੰਦਲ ਹੈ, ਕੁਹਾੜੂ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਗੇ ਚੇਤਾ ਆਵਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਵੱਛ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ, ਕੁਤੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਤੇ ਏ ਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਥੱਕੇ ਉੱਟੇ ਦੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਮੰਜਾ ਡੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਮੰਜੇ ਪਰ ਬਹੀਆ ਵਸਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨੇ 'ਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਚੰਦ ਪਲ। ਅੱਜ ਇਸ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾ ਭਈ ਇੱਕ ਨਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਹ ਛੋਲਾ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਛੋਲਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਭੀ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਆਟੋ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈ ਸ਼ਾਹ ਛੋਲਾਉਂਦੀ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਗੀਤੇ ਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਗ੍ਰਾਈਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਚਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਸੱਸ ਬੈਠੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੋਲਾ ਅਤੇ ਦੂਈ ਪੱਖੀ ਨੂੰਹ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਅਤੇ ਚਾਟੀ। ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੱਸ ਅਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕੰਨੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਭਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਆਈ ਇਹਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਚਾਟੀ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਕਸੀ ਅਤੇ ਮੋਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ। ਇਹ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੁਟਕਦਾ ਜਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰਹਾਂ ਕੰਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਜੂ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਅੰਜੂ ਜੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਸ ਦੇਖਦੇ ਕੁੱਕੜਾ ਵੀ ਵਾਂਗਾ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹ ਓਖਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਵੀ ਕੁੱਟਣੇ ਅਤੇ ਮਧਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਚਾਟੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਵੀ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਗਾ ਜਾਂ ਫੋਕੇ ਗਾ ਚਲਾ ਕਰਦੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਖਣ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਇਓ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਡੰਡ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਡੰਡਾ ਪਈਆਂ ਕਦੇ? ਨਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰਦੀਆਂ ਡਰੰਡਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਡਰੰਡ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਠਾਣੇ ਡਕਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਸੱਸਰੀ ਕੋਲ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂ, ਡਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੱਕਾ? ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਗਿਆ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ? ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੁੱਪਰੀ ਕੋਲ ਖੱਟਾ ਪਰ ਬੈਠੀ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀ ਪਾਲਣਾ,
ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਮਾਤਾ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਢਿੱਲ ਭੰਨਦੇ ਗੋਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਲਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਛੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੋਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਕਰਦਾ ਚੱਕੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਪੀਤੀ ਵਾ ਮੋਲੇ ਦੇ ਧਾਨ ਦੇ ਛੜੇ ਹੀ ਹਨ ਧਾਨ ਤੇ ਛੜੇ ਹਾਂ ਧਾਨ ਛੜੇ ਚਰਖੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਪਏ ਉੱਨ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਨ ਵੀ ਤਾਲਣੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਨਿਆ ਵੇਲਾ ਸੱਸੂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਮਾਲਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨੂਹੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੱਸੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਖਦੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਵਾ ਅਤੇ ਊਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂਹੇ ਕੁਤੇ ਆਖਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਿੰਦ ਕੋਈ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾਓ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਠੀਕਰੀਆਂ ਗੱਠਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਟਰੰਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲਾ ਗਿਆ ਰੱਖੇ ਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਟਰੰਕ ਵੀ ਟੰਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਟਰੰਕ ਟਰੰਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਐ ਟੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਮੋਲਾ ਗਿਆ ਰੱਖਾ ਮੋਲੇ ਦਾ ਦਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਓਕੇ ਜਿਲਾ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮਾਂ ਕਿਛ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਜੱਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੇ ਪਤਾ ਉਹੇ ਦਾੜੇ ਕੰਨੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੰਨੇ ਪਿਆਰ ਕੰਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਸਾ ਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਕਿਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਦੋ ਤਰੇ ਤਰੇ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਸਿਰ ਵੀ ਫਰੋਲਣੇ ਕੰਨੇ ਟਿੱਡ ਵੀ ਫਰੋਲ ਲੈਣੇ ਕਮਰੇ ਚ ਕਰਾਉਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਂ ਚ ਵੀ ਆਵਾ ਕਰਦੀ ਸੰਚਾਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਚ ਵੀ ਪੁੱਜਦਾ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂ ਚ ਕੀ ਹੋਈਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਈਆ ਆਪਣੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚਾੜਦੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਧਾਣੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚਾੜਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਧਾਣੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਮੋਲਿਆ ਦੇ ਮੋਲਾ ਦੇਖੀਏ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਟੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਹੁਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਖ ਬੂਟਾ ਝੌਂਗਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਛਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਦਾ ਡੰਗਾ ਬੰਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਇਹ ਡੰਗਾ ਬੰਨਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਰਪਿਤ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਬੂਟੇ ਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਦੂਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਮਾਣੂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਈ ਹੈ ਤਾਂ ਛਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਜੀ ਆਏ ਦੇ ਅਤਿਥੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਲੀਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ DMEIO ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਅਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਲਖਮੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਈਦਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਧਾਰ ਤੱਕ ਬੋਲ ਲੱਗੇ ਮਤਲਬ ਬੂਟੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਾਈ ਦੀ
कि एह्दे वास्तै लाई दी कि लोक रस्ते आंदे जंदे छाएं च बौंह्दे माल मवेशी मतलब थल्ले पौंदा बाकी आने जाने आह्ला मुसाफर जेह्ड़ा थल्ले पौंदा और मैं एह् अपने दिल च सोचा कि इस बूटी की थोड़ी जी रिपेयर करना मतलब कि इसकी रिपेयर की जरूरत है तो इसका इसका डंगा जेह्ड़ा हा थोड़ा मतलब कि उठी भज्जी दा हा तो असें सोचा कि चलो इसी मतलब शैल तरीके करना अच्छा तरीके करना इसी डंगे अपने पैसे करने या सरकार नहीं सर इसी मैं अपने पैसा करना लाए करना अपने पैसे अस लाइए अपने अगर थोड़े बुजुर्गें बूटे लाए ना तो तुस उंदी देखभाल करो अपने बुजुर्गें दी सेवा करो अज मैं उंदी सेवा करने वास्ते उंदी यादगार बढ़ाने वास्ते अस जेहड़ा एह जगह डंगा अस दुआ करने आ बूटे दी इंदे रिपेयर करने वास्ते कि बूटा जेहड़ा खराब नहीं हो जा पर्यावरण गी संभालने वास्ते बूटे दा किन्ना योगदान हुंदा रुख बूटे होने चाहिए आहो रुख बूटे जेके होने चाहिए आने जाने वास्ते जेह्ड़े केईं मुसाफर होंदे ओह्दे थल्ले छाएं च बौंह्दे माल मवेशी थल्ले बौंह्दा आने जाने आह्ला सफर करदा और आखदे जिस इलाके च रुख बूटे ज्यादा होन उत्थे बरखा भी शैल हां उत्थे बरखा भी शैल होंदी ओह्दी आबो हवा भी जेकी बड़ी अच्छी सुहावना होंदी और लोकें दी जेकी सेहत भी जेहड़ी अच्छी मतलब अच्छी रौंह्दी क्योंकि आक्सीजन जेहड़ी इंसान गी जेकी ज्यादा मिलदी है बिल्कुल सच गल्ल आखदे ने दोस्तों के इहे लई सोच अगर हर माणू दी होए अज आरी लई है बढ़ने आले रुख बूटे बड़े लभदे न पर बूटे की लाने आले जां उंदा बचाव करने आले बड़े घट लोग लभदे न इहदी इक सुनेहा हा इस प्रोग्राम के माध्यम कन्नै अस तुहाडे तकर पजाने का प्रयास किया हुण ग्रां दी ऑटो लैने और किश लभदा ओह भी तुहाडे तकर पजाने का प्रयास करने जाने दा ना सुरगेश सोना लखो साडा करार सुरगेश सोना लखो साडा करार सुन माए मेरिए तेरा वो जवाई मिंजो मारदा पर मारदा की भाई है जे रोटी पकाना नहीं आती है तो जवाई है तो मारना कपड़े धोना नहीं आता तो भी जवाई मारदा पर एक नार बैठी है उनके कन्नै गल कथ करने जवाई तो मारदा है पुराने तो अज्जा कल आलियां अगर नारा पति कन्नै कंधे कन्नै कंधा मिलाइए कम करा दी तो फिर मार कर दी के ना थोड़ा सर मेरा नाम रेखा कुमारी है और मैं थोड़ा बड़ा धन्यवाद करने की तुसें अज साड़ी पंचायत चाहिए गया और साड़ा असल लोकें दा मार्गदर्शन किया सर एक पता चलिया तुस कोई ग्रुप भी चलांदी है जिदे च नारंगी जागरूक करदी है केड़ा ग्रुप सर मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप चलानी जिदे च एले मेरे कोल 24 ग्रुप न टोटल मेंबर कम से कम कोई 260 लेडीज जुड़े दे न और मेरा सर इयै एक मेन मकसद है कि मैं हर घर च हर गरीब कोला गरीब महिला की चाहे वह अपनी किस्त नहीं भी कड़ी सकती तां भी अस कोई 10-10 रुपए अपनी आमदनी चा थोड़ा कड़ी उसी अपने कन्ने चलाने कोशिश करचै एक चीज़ है जियां उन्हें गीता दे बोल भी माए नहीं जो आए तेरा मारदा
ਫਿਰ ਜਿਲੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਕੁੱਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਪਿਓਕਿਆ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਸਹੁਰੀਆਂ ਘਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਸਿੱਖੇ ਦਾ ਵਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਗਿੰਨੇ ਬੁਣਦੇ ਸੀ ਛਾਬੜੀਆਂ ਬੁਣਦੇ ਸੀ ਛੱਜ ਬੁਣਦੇ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਏ ਵੇਚੀਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਕਮਾਈਏ ਅਤੇ ਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ 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 ਕੰਨਾਂ ਭਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛਾਬੜੀਆਂ ਟੋਕਰੂ ਪੱਖੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਬੁਣੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਕਿ ਜੇਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਅਸ ਕੰਮ ਕਰੀ ਸਕਣੇ ਇੰਨਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਇੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਸਕਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸ ਕਰੀ ਸਕਣੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ 8 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਲਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮਸਾਲਾ ਟਿੱਕੀ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਇ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪੜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁੜੀ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬਸ ਬਸ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇ ਦਾ ਹੋਊ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਸੀ ਦੂਗੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਚਲੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਏ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਏ ਦੀਆਂ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਕਿਸ਼ਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨੇ ਬਣਾਏ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਨਰ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਡੱਲਾ ਟੋਕਰੂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਅੱਖਾਂ ਗੁਸਗੇ ਚੁਆਂਠੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜੁੜੇ ਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਟੈਚ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਧਮਪੁਰ ਦਾ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਵਾਲਿਆਂ ਥਰੂ ਫਿਰ ਸਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕੱਢੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਸਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਛੁਪੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਆਸਾਮ ਭੇਜੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੀ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡੱਲਾ ਟੋਕਰੂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਖਣੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਆਸਾਮ ਭੇਜੇ ਉੱਧਰ ਆਏ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰੀ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2-3 ਵਾਰ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਬਣਾਈ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਖਰੀਦਦਾ ਵਾਪਸ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦੂ ਕਮਲ ਜੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹਲਾ ਉਹ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸਾਡੀ MD ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਦਿਆ ਦੇਗੇ ਜੇਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਨਾ ਉਸੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸ ਡੱਬੇ 'ਚ ਫੁਲਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਛਾਬੜੂਆਂ 'ਚ ਪਾਓ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸ ਕੁਸੇ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸ ਗੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੈਲ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸ ਵੇਸਟ ਸੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਅਸ ਅਗਰ ਇਹ ਚੁਆਂਠੀਆਂ ਸਮਾਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਡੱਬਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਖੋ ਤੋਂ ਕਿ ਵੇਸਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਣੇ ਵੀ ਸਰ ਬੜੀ ਸ਼ੈਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਅੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖ ਗਏ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕੁਸੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਸਰ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੜੀ ਤਾਂ
दोस्तों ग्राएं दे विच खुशियां मनाने वास्ते साढ़े पहाड़ी संस्कृति के इले गीत गाइए अपना मनोरंजन का साधन कर देने इतने कुछ बच्चियां नचा कर दें इंदे कन्ने गलकत करने ते इंदे मना दी गल भी तुहाडे तक पहुंचाने का प्रयास करने हैं क्या नाम जी तुहाडा मीनाक्षी शर्मा मीनाक्षी जी पढ़ दी हो हाँ केड़ी क्लास है ग्रेजुएशन कर रही हूं केड़े विषय पर करा दी आर्ट्स आर्ट्स जी करा दी पढ़ाई कितनी जरूरी है औरत वास्ते महिला वास्ते जरूरी है की सोच रखी थी बड़े हो यकीन बनना डॉक्टर बनना टीचर बनना टीचर बनना शिक्षक का बड़ा बड़ा रोल होता समाज सुधार वास्ते एक चीज़ है खास करिए आज जो कुड़ियां खुद मुख्तियारी मिली दी है पहले माँ प्यो कुड़ियों की घर को बाहर नहीं निकलते दो चार जमात पढ़िया तो पीले हाथ करिए सुरखरू हो जाते हैं अज कुड़ियों की माँ प्यो कितनी दूर तक पढ़ाना चाहते भेजा दिन दूर तक भेजते पढ़ाने वास्ते कि सारी कुड़ी शैल पढ़े थे किश करे अपने पैरों पर स्टैंड हो गया और ये कन्ने अज बंदे कन्ने कंधे कन्ने कंधा मिलाइए कम धंधा नौकरी पेशा करिए पैसे चार भी कमा दिए एक चीज़ होर है जियां अस पुराने दिखते हैं औरत जी सिर्फ सेवा भावना करने घर आ बड़े की सेवा निके की सेवा सवेरे को शामी तक चौंके च बड़े रहना अज नौकरी वाली भी मेरे ख्याल च सेवा कर दी भुली नहीं कर दी कर दी ससू दे गोडे छोटे ठोल दी या दबा दी दबा ठोलने वाली भी आई जल्द पढ़ ली जो कुछ बिंद अगुआ रोह चाड़ा तो फिर ठोलने पौधे या दो नहीं ठोली दी गई कई ठोली दी पर बड़े कुसै गल्ला पर अगर टोक देन तो वह गल मननी चाहिए एक चीज़ होर है बेटे तो बेटी च फर्क पहले जियां आखते तो पुत्रा की दुधा की गिलास पूरा भरी है तो कुड़ियों की शाह जां मलाई पुत्रा ही तो खाली दुध पीऊगी अज कोई माँ प्यो उनके फर्क रखते नहीं बेटा घट पढ़ा बेटी ज्यादा पढ़ती बेटा ज्यादा बेटी मेरे माँ प्यो का ज्यादा नाम रोशन करता और ज्यादा नाम रोशन करिए माँ प्यो की अब देखो जल्द भी पोजिशन आदि तो कुंदी आदि लड़की लड़की दी तो जो अगर बेटी की माँ प्यो पैसे देन चार कोई खर्चने वास्ते तो बेटी की लिया है वापस ले आती कई बार घर सजावट समान ले मुड़े ही देने बार पार्टी कर बिल्कुल दोस्तों सच गला कर देना कि अजकल कुड़ियां जड़ियां अगर माँ प्यो कोई पैसा खर्चने वास्ते देन तो जोड़ दियाँ या फिर घर की सजावट वास्ते कोई ना कोई चीज़ खरीदी लिया मुड़े ही दिते जहाँ तो चार जुट बिठाने करने तो शामी ले मेरे ख्याल से फंडी के घर आ जाते ये कुड़ियाँ घर बना और इे कुड़ियाँ कई बार घर तोड़ दी वो कुल्ले तोड़ दी जल्द नूह बनिया कुसै घर जाए उत्थे पले पलाए का पुत्र उंगली लादी तो बख चुल्ला बाल दी तो उल्लै घर तोड़ दी पहले जी बना तो उल्ले फकर हों घर कुड़ियाँ बना क्या ऐसा करना चाहिए कुसै का घर तोड़ना चाहिए एक और कुड़ी खड़ोती है कि ना तेरा मेरा नाम सुमन शर्मा है सुमन जी उस माँ प्यो के उपर कि फकर हों जो माँ प्यो एक पुत्र की पढ़ाई लिखाई है बड़ा करते जल्द ब्यांदे तो वह कुड़ी जी है वह बिंदर ही गल पर बख चुल्ला बाल दी उल्लै उस माँ प्यो पर क्या होंगे उन्हें भी बड़ा दुख होता है कि क्या ऐसा करना चाहिए कुड़ी ऐसा नहीं करना चाहिए सॉरी
कोठे ते बैठियां चिड़ियां ने, बेड़े विच बैठियां कुड़ियां ने, इन्हें चिड़ियां डरो डर उड़ जाना, इन्हें कुड़ियां सुरे कर टुर जाना। दोस्तों किन्ना विछोड़े वाला सुहाग रूपा जिहड़ा गीत सुना करते हैं, इस गीता दे बोल सुनिए हर एक माणू दे मन दे विच रुतन परोचा ख्याल आउंदा। एक नार बैठदी है तौले तौले ब्याह होता, खास करके कुड़ियों की पूछने पौंदा भई इन्ना जुगड़ा कुत्थों लैंदी है, मापे दा घर छड्डना है। कि नाम है? राशु देवी। राशु जी, जिस घर दे विच बचपन बिताना, गुड्डियां पटोले, भैने भराएं कन्नै खेडना, दादी दादे दा प्यार पाना, मात पिता का प्यार, चाची चाचे कन्नै अठखेलियां, फिर वह घर एक दिन जिसलै जवानी दे दहलीज पर कदम रखिया पराया, कियां उस डोली च पैर पौंदा कुड़ियां? उस टाइम वो बड़ा मुश्किल टाइम होंदा, जिस टाइम कुड़ी दी डोली आंदी उत्त घर बड़ा मुश्किल होंदा। जिगरा पहले के पक्का कर लेता होंदा? नहीं, वो टाइम बड़ा मुश्किल होंदा। ओदे चा भी बड़ा होंदा ब्याह दा, जिले ब्याह होंदा लग गया बड़े गीत गांदे नचदियां भी नचक लैने कुड़ियां, पहले तो कहने कुड़ी दे ब्याह च कोई नचदा नहीं गांदा नहीं, अजकल डीजे बजदे ने कुड़ियां दे ब्याह च भी, ते उल्ले खुशी होंदी आ, ते जिले विदाई होंदी उल्ले पता नहीं लगदा। हां, उस टाइम च मतलब अपने मां प्यो की छोड़ना बड़ा मुश्किल होंदा। अस पुराने वेले चेता रखचै, पुराने वेले च जिसलै कुड़ी कुदै विदा होंदी ही पालकी च बौंदी ही, तो दूर तक कूका मारदी सनोचदी भी कुड़ी विदा होई है, अजकल उड़ल कडोले आई दे पालकी की जगह तो गप्पा मारते जाते, अजकल रोंदी लभदी नहीं कुड़ी कोई, रोन जाता ही अपना घर छोड़ना थोड़ा चिर है बाकी रोना उन्हें जी अगे अजकल नहीं दो मिनट रोई लैंदी है, पहले तो कूका मारदी है अपने प्योके घर, तो हूँ कूका मरवादी है अगले घर, नहीं कूका अपनी जगह गै पेदी आपू नौजवान जरूरत पी मेरे ख्याल सेवा कर लेना क्योंकि जिंदगानी घट है जियां वह सवेरे उठती है ना चार बजे कुकड़ा बांगा बुजुर्ग मन करता उठने उस वेले जा रोज चढ़ता जो ठोलन दे नहीं उठी उन्ने डंडा या छंदा नहीं एक बार बोल लंदा उठी उन्ने मुंह मन करता भाई आज सही गल छे नहीं करता लोका मत डंग जावे ओ तेनो हे जंगल दे विच चल दिया है एक फकीर नो माणा ओ जंगल दे विच चल दिया चल दिया है गहलो दिसदा छगलो दिसदा साडाओ यार पुराना हो यह गलो दिसदा छगलो दिसदा साडाओ यार पुराना। दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र के जेडे ग्रां उत्थे हर जाति धर्म के लोग जेडे आपू विच एक मुठ होई है एकजुट होई है ग्रां की तरक्की दे विच और ग्रां की कला संस्कृति दे विच आपू विच सहयोग कर दें। साढ़े कन्ने एक मुस्लिम बरादरी दे जड़े माणू न हिंदुओं कन्ने मुस्लिम सारे किट्ठे हुई है कोई भी ग्रां दे बारे च गल होए तां भी ग्रां की कला संस्कृति होए तां भी किट्ठे हुई है साथ दिंदे ने। भाई जी के नाम थोड़ा? मोहम्मद अली सर। मोहम्मद अली जी, जिले भी अस दिखने साढ़ा गुआढ़ी प्रदेश जिहड़ा है उस सानू इक गल आखदा कि साढ़े मुस्लिम जिहड़े ने हिंदुस्तान च महफूज नहीं, पर थोड़ा इत्थे भाईचारा दिखिया नहीं लगा था मिगी ऐसा कोई ऐसा है, उसी की जवाब देना चाहते? सब भाई भरा जी, हिंदू मुसलमान सब भाई भरा अस, कोई ब्याह कार्ज हुंदा एक दूए दे सब बस एक दूए दे बरतने भी हैं धाम तो नहीं चलती? हाँ जी। तो जे कुसै गमी पेशी आई आ तो उन्हें भी सहयोग करते उस वेले भी अस, अगर साढ़े भी बिच बारे कर मुकी जा कोई डैथ हो जा कुसै दी तो साढ़े भी बेचारे आंदे मिट्टी देने इंदा कोई मुकी जा अस भी जाने लकड़ी देने। आखने का भाव है कि लगता नहीं है सारा कोई धर्म लग गया आपू बच्चे भराए अंगर के प्यार लगता बिल्कुल। एक चीज़ और अस तुहाडा पुछना चाहते हैं जी, हम गोजरी गीत उस गा करते हाँ जी,
यह भी एक साड़ी संस्कृति का हिस्सा है। जिसलै खूबसूरत पहाड़ जिसलै दिखने चमुख है दियार न जां चीड़ा न और ठंडी ठंडी जिसलै हवा चुलनी तो आपू मन करता फिर इले गीत गाने आहो फिर करता कुछ जिसलै बेसिकली मैं कि गीत गाने गै छोड़ी दिते जी। पहले पहले मैं माड़े मोटे गाँव हूँ नहीं बिल्कुल गीत गाने नहीं शौक नहीं है लेकिन कोई कोई साढ़े भाई भ्रा शौक जिसी तो धारा पर जाते बड़े गीत शीत गाते बड़े शौक करते जी। एक पंच भी थोड़ी बिरादरी दियां इतने उनके कन्ने भी गलत करना है के ना जी थोड़ा मेरा ना लीमा लीमा जी तुस पंच हो इतो पैंचा मैं पैंचा बार दो नंबर की पैंचा और सुने का बिना बूटे ने जीत नामीनेट नामीनेट कि प्यार आपू बच्चे सारे लोगों का ठीक है मैं अच्छा काम कराया आहो मैं अपने सरपंच को ले गए सारे काम कराए ओदियां भी बनाईया बौलियां भी बनाईया निरगे के काम भी कराए मैं अपने ग्राम में मैं सारे काम कराए लाइटा भी लवाईया मैं सब कुछ कराया कोई कुछ दुख तकलीफ हुआ तो थोड़े को आंदे तो वो मतलब पूरी करदे पर ओला जाति बिरादरी ते नहीं दिखदे नहीं 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 साडे वो धर्म होए दे ना जी असें वो सारे काम इक्को जैसे करने मैं जैसे अपने गुजरें दे कीते मैं एहो जे मैं सारे हिंदुआं दे भी कीते बिल्कुल ये पंच ने ते हुण खास करिए जंदरैड़ी ग्रां दे सरपंच साढ़े कन्ने खड़ोते ने जिंदे प्रयास कन्ने अज इस ग्रां दे विच ये कार्यक्रम जिहड़ा शूट करा करने भाई जी के नाम है तुहाडा मेरा नाम पप्पू राम है मैं सरपंच पंचायत जंदरैड़ी सारे को पहले मैं थोड़ा बड़ा बड़ा शुक्रिया करना कि जिहड़ा मैं तुस ग्रां दे विच आए हो तो दिखा दे हो कि मेरे जिन्हें भी लोग इत्थे आए दे लेडीज़ न बच्चे न बो मेरे बजुर्ग न मैं दसा कि साढ़े लोगों का जिहड़ा कल्चर है जियां तुसीं दस्सिया कि जियां के कल्चर साढ़े कोल इत्थे साढ़ा हुंदा है अपना देसी और जियां मेरे कन्नै बैठी खड़ोती दियां मेरी मैं दिन जियां मासी न मेरियां आए हैन ते गुजर ने पर इ'यां मेरे धर्म दियां मासी ने साढ़े बिच्च कुसै बरादरी तरफा कि कोई साढ़ी अपनी बरादरी आन ओह् ते आलरेडी बनी दियां पैह्लें दियां अज्ज असें बनाइयां पर साढ़ा कुसै कन्नै भेदभाव नहीं है मेरे कन्नै मेरे सत्त पंच न असें अज्ज तक कुसै कन्नै भेदभाव नहीं कीता अस सारे बराबर रेह न मैं चाह्न्नां कि एह्दे प्रोग्राम साढ़े चलदे रौह्न जां तुस दिक्खा दे हे कि साढ़ियां किन्नियां निक्कियां बच्चियां तुस इंटरव्यू लै दे हे कि एक कुड़ी एम ए पढ़ा दी साड़ी है बिल्कुल उन्हें दस्सिया कि तुसें पुछा उसी कि'यां करना है अस चाहन्ने कि सारा समाज जेह्ड़ा किट्ठा रवै हून रही गल्ल तुसें मेरे भाई होरें पुछा कि साढ़े कन्नै गुआंढी देश लगदा कि ओह् पुछदा कि साढ़ा महबूज नहीं है ना मेरे कन्नै तुस दिक्खा दे कि बरादरी लोग बैठे दे तुस इ'नें पुछदे हो कि तुसें कोई किसी किस्म का कोई दुख तलखीब जां कोई पंचायत तरफा जां कोई किसी किस्म का साढ़े बिच्च कोई भी नहीं है इ'यां आखने आह्ले ते लोकें दियां बड़ियां गल्लां होंदियां न मैं चाहन्ना कि साढ़े लोग जेह्के अस इक्कै रौह्ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साढ़ी चार जातियां अस सारे लोग कट्ठे न और यह पहला देश है जिस देश दे विच इक मुठ होइए सारे रौंदे न पर कुछ फ्रिकता प्रक्षण लोग होंदे न उह जिहड़ा सानूं तोड़ने की कोशिश करदे और लोकें दे बहकावे विच आइए केस टुट भी जांदे न पर उन्हें गी जोड़ने वास्ते भी प्रयास होंदा लोकें गी आह्वान जांदा एक भाई अस इक मुठ हां इक जुट हां ते साडा भारत जिहड़ा मजबूत रहो बिल्कुल मैं तुसें एक दसंग चीज है कि वह लोग जिहड़े न वह अनपढ़ता और बेवकूफ लोग न जेके लोकें गी भड़कांदे न कि यह भाई माछा है ये चमार है जी ये मेघ है ये ब्राह्मण है नहीं यह साढ़ा बने दा कल्चर स्हेई मीने है कि साढ़ा अपना पुराना जियां अस आखने कि चुल्ली दा चौके दा साढ़ा अपना बनना है अगर मैं एक माशा बराजू को बराद राम करना है तो मैं कुसै पंते दे घर जन्ना वह भी राम मैं दिखना है कि मैं उस घर दे विच जाना भी है और मैं अपनी अहमियत भी रखनी है उस घर दी भी रखनी है जेके साढ़े रीति रिवाज चला दे न अज भी साढ़े उहे चला दे न अज ये ऐसा नहीं है कि कई ऐसा होंदियां कि कोई हुंदा आखदा कि नहीं जी मैं अगर चमैर आं जां माशा आं जे मिकी फलाने बंदे उन्हें अगर मिगी अगर कार्ड दित्ता जा ब्याह की मैं उत्थे तक गै सीमित रहना जिस तक मेरी कुआत है मतलब जाति धर्म कोला उपर उठिया पहले इंसान बनने की कोशिश कर रहा बिल्कुल बंदा तो सब कुछ हो सकता बिल्कुल दोस्तों सच गला करते और सचमुच बड़ी पंचायत अस जन्ने प्रोग्राम करने की और कदें आओ साढ़े ग्रां इले फलते रहो ग्रां अस आते रहचै तो थोड़े तक पजाते रहचै अज इस ग्रां च एकजुटता एक मुठ दिखिए और सारा प्रेम भाव दिखिए साढ़ा भी मन जो गद गद हुआ दोस्तों हूँ ग्रां की होटो लैने और किस शब्द का वह भी थोड़े तक पजाने का प्रयास करना है दोस्तों ग्रां च किन्नी अस दिखने आ कला छुपी दी होंदी है एक छोटी जी बच्ची मैं दिखिया गीत गुनगुना दी वो गीत एक दो बोल तुहाडे तक पजाना बच्चू के नाम है तेरा पायल ते पायल गीत जिहड़ा सुना दी हां सुनाओ मिगी के बोलनो ते जोरिया सुनाना मैं अंग्रे
जिन पढ़ी लिखी मेरी किस्मत सड़ मम्मी जी ससू ने बोला फुलके बनाओ एक फुलका गया मुझे बेलना से मारा मम्मी जी मैं अंग्रेजन पढ़ी लिखी मेरी किस्मत सड़ मम्मी जी ससू ने बोला झाड़ू लगा एक कमरा रह गया मुझे झाड़ू से मारा मम्मी जी मैं अंग्रेजन पढ़ी लिखी मेरी किस्मत सड़ गई मम्मी जी ससू ने बोला बर्तन मांजो एक बर्तन रह गया मुझे कर्श से मारा मम्मी जी मैं अंग्रेजन पढ़ी लिखी मेरी किस्मत सड़ गई मम्मी जी ससू ने बोला कपड़े दो एक कपड़ा रे गया मुझे डमनी से मारा मम्मी जी बल्ले 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 भाई बड़े सारे काम धंधे करने कोला जिले ससू ने आख्या तो डमनी कन्ने भी मार पवा दी पर पढ़ी लिखी दी अंग्रेजी ये है नवी पीढ़ी दोस्तों जिया मैं गल पहले सुनाना हाँ भाई अज्जा कल आली पीढ़ी जेड़ी है वो इे ले आनी है अंग्रेजी पढ़ी लिखी दी जिले आओगे तो सस आख गए भाई कम धंधा करना ही तो लामा मां तकर ये भी एक संस्कृति है हिस्सा दोस्तों थोड़ा कहीं साझा किया सैले सैले रुख बूटे कुतै झुलन ठंडिया वावा शहरें बिच घुटन प्रदूषण दी ग्राएं वजन लहर दोस्तों सचमुच जिहड़े पहाड़ी क्षेत्र के ग्रां जिले उत्थे निक्की जी बरखा कुतै पई आ बरखे दे बाद धूरां पौंदियां और फर फर जिहड़े अस दिखा रहे चीड़ें दे ते देवदारें दे बूटे जिहड़े ने उच्चला कर देन ये आबोहवा दिखी है कुसै दा मन ते नहीं करदा पर समय इत्थे मजबूर दोस्तों अज की कड़ी अज का अंक इतने के संपन्न करने की अस तुहाड़े कोल आगे चाहते हैं हाँ अगर तुम भी अपने ग्रां से ही साथ देना चाहते हो तो कैंटी मारी सकते हो साढ़े इन्हें नंबर पर ये कन्ने के कैमरामैन दीपक ते मिगी प्रवीण शर्मा गी दियो आ गया जय जम्मू जय डुगर जय भारत।